पिछला जो टॉपिक खत्म किए थे सॉल्यूशन चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने बताया था, जिसमें से हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। जी हाँ, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जी हाँ, क्या वाष्प दाब का पक्षी का वनमन, जी क्वथनांक उन्नयन और हिमांक वनमन, तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब लास्ट फाइनल हम लोग, जी हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर को समाप्त करने वाले हैं। किसको? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पर यह भी डिपेंड करेगा। जी हाँ, फिक्स अमाउंट हो सॉल्वेंट का, उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स को आप बढ़ाइए या घटाइए तो यह ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। इसका क्या मतलब? सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को चेंज करिए फिक्स टेम्परेचर पर, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अतः ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले ये सॉल्यूशन का है। जी हाँ, सॉल्यूशन का ये प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हम लोगों को यहां एक प्रोसेस है, कौन सा? पराशरण। जी हाँ, क्या? ऑस्मोसिस। जी हाँ, ऑस्मोसिस क्या है ये समझते हैं। डिफ्यूजन नहीं, यहां पे हमें समझना क्या है, ऑस्मोसिस। जी ऑस्मोसिस, ओके ऑस्मोसिस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, परासरण। अब आप सोचो, ऑस्मोसिस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या है ऑस्मोसिस प्रोसेस? ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम लोग बिहेवियर में समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, हम लोगों के साथ या हम लोगों के दैनिक जीवन में होने वाली रोज की घटना है, जी ऑस्मोसिस। और जो रीऑस्मोसिस होता है ना, वही तो आर ओ है। आर ओ का मतलब क्या हुआ? री ऑस्मोसिस। जी हाँ, तो यहां पर पहले ऑस्मोसिस समझते हैं। ऑस्मोसिस अगर आप देखते होंगे, जी हाँ, चने को पानी में भिगो कर छोड़ देते हैं, चना फूल जाता है। नहीं फूलता क्या? फूल जाता है ना। ऐसे किशमिश को भी डाल दीजिए, हाँ ऐसा होगा जी। लेकिन वहीं पर किशमिश को अगर, या आरबीसी को बहुत कंसंट्रेट नमक के बिलियन में अगर रख दें, तो फिर क्या होगा? तब वो फूलेगा नहीं, वो सिकुड़ जाएगा। ऐसा क्या है, समझते हैं थोड़ा सा। यहां पर मैंने एक सोल्यूशन लिया, और वो सोल्यूशन मैं कह लू वाटर है। क्या है? वाटर है, प्योर सॉल्वेंट ले लिया। जी प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ओके। अब ये प्योर सॉल्वेंट है, यानी मैं कह लूं वाटर है सिंपली, ओके। इस वाटर में मैंने आरबीसी या रेजिन, मैं कह लूं या किशमिश कह लूं, जी रेजिन या आरबीसी, ठीक है, अगर ये मैंने रख दिया वाटर में, तो धीरे धीरे वाटर इसके लेयर को पार करके इसमें इंटर कर जाएगा। जी हाँ, वाटर इसके लेयर को पार करके इसके अंदर इंटर कर जाएगा, ये धीरे 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 फूल जाएगा। जी हाँ, फैलने लगेगा, ऐसा आप देखते होंगे बिहेवियर में। जी हाँ, और ये फैल करके थोड़ा सा फूल जाएगा, यानी ऐसे जैसे चना देखते होंगे, किशमिश देखते होंगे, ऐसे ही आरबीसी को भी रख दें या रेजिन को रख दें तो ऐसा होगा। क्लियर है? इसका क्या मतलब है कि यहां पर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जी हाँ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट डाइल्यूट है, जी हाँ उसके साइज बहुत छोटे होंगे, उसके पार्टिकल के साइज, वो इस लेयर को पार करके, इस लेयर में इंटर करके अंदर गए। जी हाँ, और जब इस लेयर में इंटर करके अंदर गए, ये धीरे 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 क्या हो गया, जी फूल गया, ओके। अब यहां पर देखा जाए, ऐसे ही अगर हम अब वाटर का सोल्यूशन ना लेकर के किसी
यहां पे सोल्यूशन मैंने ले लिया इसका 0.1 MnCl या उससे भी ज्यादा कंसंट्रेट NaCl कंसंट्रेट सोल्यूशन, जी हाँ, जिसे ब्राइन भी हम लोग कह सकते हैं। अब ये NaCl कंसंट्रेट सोल्यूशन है, इसमें अगर मैंने यही आरबीसी मैंने उठा के जो फुली हुई है इसमें लाके रख दिया, तो अब देखेंगे धीरे 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 श्रिंक कर जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा ये, जी हाँ, और सिकुड़ करके ये छोटा, यानी कि जैसे फूला हुआ था अब ये छोटा हो जाएगा। और छोटा होने का क्या मतलब है कि जाहिर सी बात है कि जब सिकुड़ के छोटा हो गया तो यहां से इसके लेयर को पार करके बारी बारी से यहां पर निकल करके चले गए कौन, जी, इस लेयर को पार करके केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल जा सकते हैं, क्योंकि यह जो लेयर है यह इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल इसको कह सकते हैं कि इसमें से इंटर नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी है और सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े हैं, और सॉल्वेंट के पार्टिकल की साइज छोटी है और वो इन लेयर में जो होल है उनको पार करके जा सकती है। यानी ये देखा जाए कि यहां पर वाटर से सॉल्वेंट के पार्टिकल इसके अंदर इंटर कर गए थे जिससे ये फूला, यहां पर देखा जाए कि इसके अंदर से सॉल्वेंट के पार्टिकल NaCl सॉल्यूशन में चले गए जिसे सिकुड़ गया, ठीक है, बात समझ आ रही है, यह क्या किया जी, यह सिकुड़ गया और ये क्या हो गया, फैल गया, ओके, बात समझ आ रही है। अब ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, इसके पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, वह एक विशेष प्रकार के लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सॉल्वेंट के पार्टिकल ही केवल इसको पार करके जा सकते हैं, क्योंकि इनकी साइज इनमें जो कह सकते होल हैं उनके कंपेयर में है, अतः उसको पार करके जा सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल कोई अपने में से इंटर होकर के जाने नहीं देगा। तो कौन जाते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल, किधर से किधर, वाटर बहुत डाइल्यूट होगा अंदर के सॉल्यूशन के कंपेयर में, जी हाँ, तो इसलिए वाटर इंटर कर गया, यहां बाहर कंसंट्रेट है अंदर वाला डाइल्यूट है तो अंदर से निकल के बाहर चला गया, यानी किधर जा रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से किधर जा रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से तनु विलयन से, क्लियर से, या मैं कह लूं कि प्योर सॉल्वेंट शुद्ध विलायक से, तो प्योर सॉल्वेंट या डाइल्यूट सॉल्यूशन से कौन जा रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल कौन जा रहा है, किसको पार करके, एसपीएम को, किसमें जा रहे हैं बताइए जरा, तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन में, किसमें जा रहे हैं, सांद्र विलयन में या हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जा रहे हैं लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से, जी हाँ, क्लियर हुआ। यहां पर ऐसा हो रहा है कि बाहर से, बाहर वाला डाइल्यूट है अंदर वाला कंसंट्रेट है, इसीलिए बाहर से अंदर इंटर कर जा रहा है जिससे ये फूल जा रहा है, यहां अंदर वाला डाइल्यूट है बाहर वाले कंसंट्रेट है इसलिए अंदर से सॉल्वेंट निकल के बाहर जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, खिंचक जा रहा है, श्रिंक कर जा रहा है। अब यानी ये देखा जा रहा है कि दोनों में कौन जा रहा है, सॉल्वेंट के ही पार्टिकल जा रहे हैं, किसको पार करके, एक विशेष प्रकार के लेयर को पार करके जो केवल किसको अपने में से होकर जाने देती है, सॉल्वेंट के पार्टिकल को, जी हाँ, और किधर से किधर जा रहा है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन या प्योर सॉल्वेंट से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर, और ये प्रोसेस ही क्या है, ऑस्मोसिस है। क्लियर हुआ कि नहीं, 100% कहीं भी प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट करें। तो ऑस्मोसिस क्या है, क्लियर हो रहा है, ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट के ही पार्टिकल फ्लो करते हैं, किधर से किधर, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर, किसके द्वारा, किससे होकर, एसपीएम थ्रू, क्लियर है ये, तो ये हम लोग कर सकते हैं ऐसा। तो अब ऑस्मोसिस क्लियर हो रहा है, ऑस्मोसिस यही रीजन है, क्वेश्चन भी कभी कभी बोर्ड में पूछा है, क्या कारण है कि आरबीसी को पानी में रखने पर वो फूल जाता है जबकि नमक के पानी में रखने पर वो सिकुड़ जाता है। तो आरबीसी को जब पानी में आप रखोगे तो पानी इसके अंदर इंटर कर जाएगा,
क्योंकि आरबीसी के अंदर का घोल कंसंट्रेट है, बाहर पानी बहुत डाइल्यूट है। और आपको पता है डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल एसपीएम को पार करके अंदर चले जाते हैं, जिससे फूल जाता है। वहीं पर नमक के पानी में रखने पर सिकुड़ क्यों जाता है? तो इसके अंदर का जो घोल है उसका कंसंट्रेशन नमक के घोल के कंसंट्रेशन से कम है, अतः इसके अंदर से शुद्ध विलायक के कण एसपीएम को पार करके नमक के विलयन में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो क्या कारण है, आरबीसी को या किशमिश को या आप कह सकते हो कि रेजिन को, नम पानी में रखने पर क्या होगा, वो फूल जाएगा, जबकि नमक के विलयन में रखने पर वो सिकुड़ जाएगा। तो रीजन यही है कि अगर वो फूल रहा है तो सीधी बात है कि उसके अंदर सॉल्वेंट इंटर कर रहा होगा, और पिचक रहा होगा तो उसके अंदर सॉल्वेंट निकल के जा रहा होगा, और जब पिचक रहा होगा जा रहा होगा तो इसके अंदर का कंसंट्रेशन सोल्यूशन कम होगा, बाहर के सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। जब फूल रहा होगा तो इसके अंदर आ रहा होगा तो इसके अंदर के सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा, बाहर अधिक होगा, बाहर वाले का क्या होगा, कम होगा। जी हाँ, क्योंकि सॉल्वेंट के ही पार्टिकल केवल केवल क्या करेंगे, फ्लो करेंगे एसपीएम को पार करके, और भी किधर से किधर, डायल्यूट सॉल्यूशन से किधर कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर, वो प्रोसेस ही हमारा क्या है, ऑस्मोसिस है। टेक्स्ट क्लियर आते हैं, यानी इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो रीजन भी समझ में आ गया, रीजन भी बोर्ड में पूछा हुआ है। जी हाँ, छोटे मोटे क्वेश्चन ये आप वन डे एग्जाम्स में भी ऐसा पूछ लिया जाता है, किसके कारण से ऐसा होगा, ये प्रोसेस क्या है, तो ऑस्मोसिस है, और क्या कारण है तो आप बता सकते हो। जी हाँ, अब जी इसमें देखा जाए क्या कि यानी ये मैंने कह दिया कि ऑस्मोसिस क्या है, तो सीधा सीधा कि एक प्रक्रिया है, एक अपने स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, जिसे विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगमी झिल्ली को पार करके प्रवाहित होते हैं। कब तक? जब तक कि दोनों के बीच क्या ना जाए, कंसंट्रेशन ना जाए, इक्विलिब्रियम ना जाए। तो हम कह सकते हैं क्या, इट इज स्पॉन्टेनियस जी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। क्लियर है? फ्रॉम डायल्यूट सॉल्यूशन आर प्योर सॉल्वेंट टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। ये तो है आसमान, है कि नहीं है? क्लियर? ये प्रोसेस ही क्या है, ऑस्मोसिस है। बात समझ आ रही है? क्लियर? ये यानी एक स्वतः होने वाली या स्वतः फ्लो होने वाली क्रिया है, जिसमें विलायक के कण अर्ध पारगम झिल्ली को पार करके तनु विलयन या शुद्ध विलायक से सांद्र विलयन की ओर क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। क्लियर है? वही क्या है, आपका ऑस्मोसिस है। क्लियर है? तो ऑस्मोसिस से क्या होगा ये पता चल रहा है, अंदर आएगा तो फूलेगा, अंदर से बाहर निकलेगा तो पिचकेगा, बाहर पिचकेगा इसका मतलब अंदर से बाहर निकल रहा तो अंदर वाला कंसंट्रेट, बाहर वाला डायल्यूट, फूल रहा है तो बाहर वाला डायल्यूट, अंदर वाला कंसंट्रेट। क्लियर है ये? यानी मैं ये कह लूं कि, या फिर से एक बार समझा देता हूं, कौन जाता है, कौन जाता है जब बताओ तो, सॉल्वेंट के पार्टिकल जाते हैं। कौन जाता है? हाँ, सॉल्वेंट के पार्टिकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि एसपीएम में जो साइज है वो केवल किसको जाने देगी, सॉल्वेंट के पार्टिकल को। क्लियर है ये? किधर से जाते हैं, एसपीएम को पार करके सॉल्वेंट के पार्टिकल, डायल्यूट जी डाइल्यूट सॉल्यूशन कह लें या प्योर सॉल्वेंट, क्या कह लें, प्योर सॉल्वेंट से किधर जाएंगे जी, कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर। बात समझ में आया? क्लियर है? ऑस्मोसिस क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहां पे देखें बिहेवियर में, जैसे हम लोग पानी पीते हैं, हाँ, वहां भी ऑस्मोसिस होता है कि नहीं? हमारे अंदर भी मेम्ब्रेन है, सेल्स है कि नहीं है जी, उसमें भी मेम्ब्रेन है, वहां भी होता है। अगर हम लोग जो पानी पीते हैं वो क्या है,
जाहिर सी बात है डाइल्यूट है कि नहीं है। अब देखो कि एसपीएम क्या है, इस पे जरा चर्चा कर ले। एसपीएम जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं, एसपीएम पूरा क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है ये? यानी कि हिंदी में बोले तो अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो यानी एक ऐसा लेयर है जो अपने में से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही होकर जाने देती है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एसपीएम। ये नेचुरल भी है, नेचुरल एसपीएम, और आर्टिफिशियल भी है। एसपीएम नेचुरल एसपीएम जो सेल मेम्ब्रेन है जी, और ये आप कह सकते हो क्या कि ये आपके जनरली नेचुरल एसपीएम है, जैसे अंडे की झिल्ली हो गई, कोसा झिल्ली हो गई, जी हाँ, और बहुत सारे बकरे का आशय भी हो जाता है, तो हमारे जो सेल है उसमें भी है। तो ये सब क्या है आपके नेचुरल एसपीएम है जी, जो आरबीसी के ऊपर लेयर है वो नेचुरल है, जो हमारे सेल में है वो भी क्या है, नेचुरल है। पासवर्ड जो चने के लेयर है वो भी क्या है, नेचुरल है। जो रेजिन्स में है वो भी नेचुरल है। लेकिन अगर हम लोग कॉपर फेरोसाइनाइड जी, क्लियर है, तो ये आपका क्या है, आर्टिफिशियल एसपीएम है, और ये पूरी तरह से जनरली 100% एसपीएम काम यही करता है। तो एसपीएम कौन होता है, जो अपने में से किसको केवल होकर जाने देगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल। क्यों ऐसा, सॉल्वेंट क्यों नहीं, क्योंकि इनके बीच जो गैपिंग होगी वो उसमें से केवल कौन निकल के जा सकता, सॉल्वेंट के पार्टिकल, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल की साइज उनके कंपेयर में होती है, सॉल्वेंट की बड़ी होती है, इसलिए सॉल्वेंट के पार्टिकल इसमें से होकर नहीं जा सकते। बात समझ आ रही है, क्लियर ये जी। अब देखा जाए क्या कि जनरली ये तो हो गया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल जी हाँ, सॉल्वेंट के पार्टिकल एसपीएम को पार करके जा रहे हैं जी हाँ, सॉल्वेंट के पार्टिकल एसपीएम को पार करके जा रहे हैं। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या रिलेशन है ये देखते हैं, क्लियर है ये। अब आते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में परासरण दाब। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब, अब ध्यान दीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसको भी हम लोग ऑस्मोसिस से ही समझते हैं। इधर मैंने बीच में एक मैंने जी हाँ ये मैंने कह दिया कि एसपीएम है, समझा गया।
क्या काम होगा? अपने में से केवल किसको जाने देगा? सॉल्वेंट के पार्टिकल को। इधर मैंने ले लिया क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन। जी हाँ, इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया और इधर मैंने ले लिया कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अब आप समझ गए होंगे कि क्या होगा, क्या होगा बताओ जरा। जाहिर सी बात है, ऑस्मोसिस होगा। क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस कैसे होगा? आपको पता है कि अगर दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन एक दूसरे के कांटेक्ट में है और उनके बीच में अगर एसपीएम की दीवार है तो क्या होगा? उस दीवार को पार करके केवल कौन जा पाएगा? अमिताभ बच्चन? नहीं। जी हाँ, वो कौन जा पाएगा? वो जा पाएगा केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल। कौन जा पाएंगे? सॉल्वेंट पार्टिकल। क्लियर है? क्लियर है? तो इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, इसमें कम है, तो इधर से प्रेशर ज्यादा होगा, इधर कम होगा, इधर से ही जाएंगे। यानी मैं कह लूं कि यहां से यहां, जी यहां पर प्रेशर लगाएंगे और इंटर करेगा कौन? कौन इंटर करेगा? सॉल्वेंट के पार्टिकल करेंगे। जी सॉल्वेंट के पार्टिकल करेंगे तो इसमें बताओ लेयर अब बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना? बढ़ेगी। और कब तक बढ़ेगी? जब तक कि दोनों तरफ प्रेशर बराबर ना हो जाए। जी हाँ, यानी दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। अब मैं कह लूं ये जो लेयर बढ़ रही है वो किस वजह से बढ़ रही है जरा बताओ तो। सॉल्वेंट के पार्टिकल इस एसपीएम की दीवार पर प्रेशर लगा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, इसे इसमें वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। अगर मैं यहां पर एक पिस्टन लगा दूं, जी एक पिस्टन लगा दूं, ओके, तो क्या होगा? ये पिस्टन ऊपर उठने लगेगी कि नहीं उठेगी? उठेगी, क्योंकि तो जैसे जैसे इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल इंटर करेंगे वैसे वैसे यहां वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, पिस्टन ऊपर ले जाएगी। मैं कह दूं कि पिस्टन को ऊपर उठने नहीं दूंगा तो यहां पे क्या लगाऊंगा? प्रेशर। क्या लगाऊंगा? प्रेशर। और जाएगा और उठना शुरू होगा, नहीं उठने दूंगा और लगा दूंगा मैं क्या? प्रेशर। अरे भाई सॉल्वेंट के पार्टिकल और जाएंगे, कब तक? जब तक दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, उधर से प्रेशर इधर से प्रेशर बराबर ना हो जाए। अरे उधर तो जा ही नहीं रहा तो प्रेशर कैसे बढ़ेगा? ऊपर से बढ़ा तो रहेगा। जी हाँ, अगर यहां से लगने वाला टोटल प्रेशर अगर इससे कम है, इससे ज्यादा है, तब तो ये इंटर करेगा। अभी कर रहा है थोड़ा और बढ़ा देंगे, अभी कर रहा थोड़ा और बढ़ा देंगे, अब बराबर हो गया। क्या हो गया? बराबर हो गया। अब जब ये यहां से लगने वाला सॉल्वेंट के द्वारा प्रेशर और ये एक्सटर्नली प्रेशर दोनों बराबर हो गए, या सॉल्वेंट इंटर करना चाहेगा, पिस्टन ऊपर उठना चाहेगा, लेकिन हमने पिस्टन को दबा दिया तो क्या हो रहा? ऊपर नहीं उठ पा रहा, इसका मतलब सॉल्वेंट इंटर नहीं कर पा रहा है। इसका क्या मतलब? यहां पर जो प्रेशर लग रहा है उसी के बराबर हमने क्या लगा दिया है? प्रेशर एक्सटर्नल। क्लियर? क्लियर है ये? तो अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर इसके बराबर लगा दिया है तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? तो ऑस्मोसिस प्रेशर को रोकने के लिए, जी हाँ, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए कंसंट्रेट सॉल्यूशन पे, ओवर कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर लगाया गया जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वही क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहलाएगा? क्योंकि यहां डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल इंटर करना चाह रहे हैं, एसपीएम की दीवार को तोड़कर अंदर जाना चाह रहे हैं, और वो जाएंगे तो यहां पर लेयर ऊपर उठेगा, क्योंकि यहां अंदर जाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ऊपर उठेंगे, लेकिन हम पिस्टन को ऊपर उठने नहीं देना चाह रहे, इसलिए क्या लगा दिए? एक्सटर्नल प्रेशर। अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर ये लगने वाले प्रेशर से क्या है? कम है, तब तो अंदर इंटर करेगा। अगर ये जितना प्रेशर लगा रहे उतना ही मैंने एक्सटर्नल लगा दिया तो भाई क्या हो गया? अब तो प्रेशर इक्वल हो गया, अब प्रोसेस क्या होगा? रुक जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या? जी हाँ, ये कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नल प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को क्या कर दिया? रोक दिया, उसे क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर ये? क्लियर ये? यानी किस पे लगता है ये? ओवर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पे, जो अति सांद्र होता है या तनु सांद्र में जो सांद्र होगा या शुद्ध विलायक विलयन में जो विलयन होगा उस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा। ओवर कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाएगा जो कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को पूरी तरह रोक देगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर ये?
बात समझ रही है? अगर मैं कहूं ये समझ में आ रहा है, ऑस्मोसिस प्रोसेस समझ में आ रहा था, ये भी समझ आ रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये एक्सटर्नल प्रेशर है, इसी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा कौन? ये ऑस्मोसिस प्रेशर। जी हाँ, इसको हम लिख रहे हैं पाई से। इसे लिख रहे हैं पाई से, और यही क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, सोचो सोचो क्या है, क्यों ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया? क्योंकि यार यहां प्रेशर लग रहा था, उतना ही प्रेशर बाहर से लगा दिया तो प्रोसेस रुक गया। अगर मान लो और बढ़ा देता तो, सोचो सोचो थोड़ा सा, क्या इस प्रेशर को, एक्सटर्नल प्रेशर को मैं और बढ़ा देता तो क्या होता? ये तो बढ़ नहीं पाता क्योंकि इसकी लिमिटिंग है। ये तो आप बाहर से लगा रहे हो, ये बढ़ा सकते हो, अगर ये और तो उल्टा होने लगता। जी हाँ, अब इसमें से साल्वेंट के पार्टिकल इधर जाने लगते, लेकिन जाते को। तो यहां पर मैं बता रहा हूं क्या, कि अगर ये प्रेशर मैं अगर बढ़ा दूं, जी हाँ एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर तो अपने हाथ में है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहां से लगने वाला प्रेशर तो लिमिटिंग होगा। जी हाँ, तो अगर ये प्रेशर जब इसके इक्वल हो गया तो ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक गया। वो एक्सटर्नल प्रेशर को मैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहा हूं, इसे पाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेकिन अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाता जाऊं, अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाता जाऊं, इसकी लिमिटिंग है, तो यहां से अब प्रेशर ज्यादा लगने लगेगा। जी हाँ, होता क्या है कि अगर यहां प्रेशर ज्यादा था तो इधर से साल्वेंट के पार्टिकल जा रहे थे, जब यहां प्रेशर कम था तो इधर से इधर इंटर कर रहे थे, जब बराबर हो गया जितने पार्टिकल इधर इंटर करेंगे उतने ही साल्वेंट के इधर करेंगे। जी प्रोसेस रुकता नहीं, इक्विलिब्रियम हो जाता है। जब यहां का प्रेशर एसपीएम पर इधर से लगने वाला प्रेशर और इधर से लगने वाला प्रेशर दोनों इक्वल होगा, जितने साल्वेंट के पार्टिकल इधर इंटर करेंगे उस सेम टाइम उतने ही साल्वेंट के पार्टिकल इधर इंटर कर जाएंगे। इसका मतलब डायनेमिक है, इक्विलिब्रियम हो गया, डायनेमिक है, और इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक रहता है, लेकिन चेंज नहीं दिखाई देगा। तो वो जो एक्सटर्नल प्रेशर है जिस पर चेंज नहीं दिखाई दे रहा, वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। लेकिन अगर इसको हम और बढ़ा दें तो इधर से लगने वाला प्रेशर बढ़ जाएगा, तो अब इधर से साल्वेंट के पार्टिकल क्या करेंगे? इस पीएम को पार करके इसमें आने लगेंगे। जी हाँ, और जब ओवर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से साल्वेंट के पार्टिकल एसपीएम को पार करके डाइल्यूट में आने लगे, जी हाँ, तब तो ये ऑस्मोसिस नहीं है, तब क्या है ये? रीऑस्मोसिस। जी हाँ, इसे क्या बोलेंगे? रीऑस्मोसिस। अरे रीऑस्मोसिस को इस शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? आरओ। क्या बोलते हैं? आरओ। जी हाँ, आरओ ही तो है। हम अपने पानी को प्योर करते, पीने के पानी को प्योर करते हैं आरओ प्रोसेस से। जी हाँ, बहुत सारे अलग अलग तरह के एसपीएम लगाए रहते हैं, कि एक बहुत मेम्ब्रेन लगाई जाती है, और जो हमारा पानी होता है जिसमें हार्ड कह सकते हैं कि सॉल्ट्स होते हैं, आर्सेनिक वगैरह मेटल्स होता है, उनके वजह से कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और एसपीएम लगाते हैं तो केवल वाटर क्या होता है, वाटर इसमें से इस झिल्ली को पार करके इधर आ जाता है। जी हाँ, जो आरओ है उसमें बहुत सारे एसपीएम लगाए जाते हैं, अलग अलग तरह के एसपीएम लगाए जाते हैं। तो यहां पर मैं कह लूं कि जब यहां पर अगर हम प्रेशर बहुत बढ़ा देंगे, प्रेशर बहुत बढ़ा देंगे, तो इसमें जो हमारा हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर में से जो वाटर है वो एसपीएम को पार करके क्या होगा? चला जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा? प्योर वाटर। क्लियर? ये ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा। जी हाँ, यानी कि जो आर्सेनिक वगैरह की इंप्योरिटीज है वो यही रह जाएगी। जी, हार्डनेस यही रह जाएगी, जिसको हम लोग टीडीएस ज्यादा बोलते हैं, टीडीएस ज्यादा हो गया है, तो वो यही रह जाएगा, और लो टीडीएस का वाटर कहाँ चला जाएगा? इधर। तो उसको क्या बोलेंगे? रीऑस्मोसिस। जी हाँ, रीऑस्मोसिस यानी आरओ। तो समझ में आया? ऑस्मोसिस का कह सकते हैं कि अपोजिट प्रोसेस क्या है? रीऑस्मोसिस। जी, रीऑस्मोसिस कब होगा? जब हम कह सकते हैं क्या कि ओवर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत बढ़ा देंगे, तो ओवर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में से साल्वेंट के पार्टिकल अब एसपीएम को पार करके जाने लगेंगे किधर? साल्वेंट की तरफ, प्योर साल्वेंट की तरफ या डाइल्यूट की तरफ। बात समझ में आ रही है? क्लियर? ये तो जस्ट अब ऑस्मोसिस का अपोजिट है कि नहीं है? है ना? तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? रीऑस्मोसिस। तो रीऑस्मोसिस यानी आरओ प्रोसेस भी समझ में आपको आ रहा होगा। क्लियर है ये पूरी तरह? ऑस्मोटिक प्रेशर। जी हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है फिर मैं समझा दूं, यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं कि क्या है वह। या
आति जी ओवर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आति सांद्र विलयन पर आरोपित वह दाब जी एक्सटर्नल प्रेशर जो कि ओवर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लग रहा है जिससे परासरण क्रिया पूरी तरह रुक जाए। जी हाँ, बात ध्यान देंगे। अब होता क्या है कि जितना इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल इसमें एंटर किए उतना इसमें से इसमें एंटर करिए, तो परासरण हो नहीं रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आई। उसे परासरण दाब कहते हैं। जी हाँ, क्लियर है। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किसे? पाई से। ओके, बात समझ आ रही है? तो हम कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है जी? इनडायरेक्टली मेजर हम लोग कर रहे हैं कि हम किस पे लगा रहे हैं, ओवर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे लगा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, जिससे कि ऑस्मोसिस क्रिया क्या हो रही है, रुक जा रही है। वो एक्सटर्नल प्रेशर ही क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन अगर उसको हम बढ़ा दें, यानी ये एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दें, तो फिर हार्ड कंसंट्रेट या ओवर कंसंट्रेट सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल अब डाइल्यूट की तरफ आना शुरू कर देंगे और वो क्या कहलाएगा? रीऑस्मोसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रीऑस्मोसिस। जी हाँ, वो कब होगा? जब हमारा पी एक्सटर्नल पाई से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? ये जो लगा रहे हैं एक्सटर्नल, वो हमारा ऑस्मोटिक से क्या है? ज्यादा है, और वो प्रोसेस आरओ कहलाता है। और उसी तरीके से हम क्या करते हैं? वाटर को प्योर करते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। अब एक चीज और कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। जी हाँ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे है कि जैसे अगर इंटर करता तो यहां पर इसमें सॉल्यूशन का जो लेवल है ऊपर की तरफ बढ़ता, और ऊपर की तरफ बढ़ता तो इसमें वेट भी बढ़ता जाता। जी हाँ, वेट बढ़ता जाता तो सॉल्यूशन का प्रेशर भी बढ़ता जाता। जी हाँ, और वो प्रेशर बढ़कर अगर ऑस्मोटिक के बराबर हो जाता तो फिर क्या होता? ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाता। जी मीन्स ऐसे समझा रहा हूं आपको। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा प्रेशर है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। अब कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? जी, अगर यहां पे मैंने क्या ले लिया, ध्यान, ये मैंने ले लिया डाइल्यूट सॉल्यूशन जी, या वाटर दिखा सकते हैं, और इसमें ये बाहर आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन बाहर, और ये एक मैंने वेजल बनाई है जिसकी दीवार है एसपीएम की। जी, और इसके अंदर भी सॉल्यूशन है। और इसके अंदर सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेट है। ओके, अब समझ गए होंगे क्या होगा। बाहर कंटेनर में डाइल्यूट सॉल्यूशन है जी, बाहर कंटेनर में डाइल्यूट सॉल्यूशन है। यह एक एसपीएम का कंटेनर है, एक कंटेनर है जिसकी दीवार किसकी है? एसपीएम की है। इसके अंदर कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, तो आपको पता है क्या होगा?
डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल अब अंदर इंटर करेंगे, जाहिर सी बात है। और जब करेंगे तो इसमें लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ेगा जी, अंदर इंटर करेंगे लेवल बढ़ेगा। और कब तक बढ़ेगा? जब तक कि यहां पर अंदर से लगने वाला प्रेशर और इधर से लगने वाला दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए जी। क्योंकि जब इक्वल हो जाएगा, जितने सॉल्वेंट इसमें इंटर करेंगे उतने सॉल्वेंट यहां से यहां चले जाएंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम केस में यहां तक मान लीजिए इंटर कर गए, यहां से लिक्विड धीरे 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 राइज करके यहां तक पहुंचाए, कितनी हाइट तक आ गए, तो मैं ये कह लू यच हाइट तक आ गए। यच हाइट तक आने के बाद, अब ऑस्मोसिस प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गया। इसका मतलब अब इसमें से सॉल्वेंट के पार्टिकल अंदर इंटर नहीं कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि जितना सॉल्वेंट अंदर इंटर कर रहा है उतना सॉल्वेंट इसमें से इसमें चला जा रहा है, यानी यहां का प्रेशर यहां के प्रेशर के क्या हो गया, इक्वल हो गया। पहले तो नहीं था, पहले बाहर से प्रेशर ज्यादा लग रहा था, सॉल्वेंट अंदर इंटर कर रहा था, धीरे धीरे लेवल राइज करता गया, जब यच हाइट तक राइज कर गया पहले से, तो अब इक्विलिब्रियम आ गया। इसका मतलब अब नहीं अंदर इंटर कर रहा है, अब मैं अंदर इंटर नहीं कर रहा है। इसको ऐसे आप समझो कि जितना सॉल्वेंट अंदर इंटर कर रहा होगा उतने सॉल्वेंट बाहर भी चला जा रहा होगा, यानी इक्विलिब्रियम आ गया। तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट में जितना राइज कर चुका है उसका ग्रेविटी प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा नहीं लगेगा, वही प्रेशर तो बाहर वाले के इक्वल हुआ है जी हाँ। तो जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, यहां से मेजर कर सकते हैं कि अगर यह एच हाइट क्या किया, राइज किया, और इसकी डेंसिटी इस लिक्विड की रो है और ग्रेविटी वहां पर जी है, तो हम लोग कह सकते हैं कितना हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, एच रो जी। जी हाँ, इसलिए मैं कह रहा था कि जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये, और जितना हाइट ये कवर किया उतने हाइट के हिसाब से हम लोग देख लें कितना प्रेशर बना, तो यच रो इसकी डेंसिटी है, जी ग्रेविटी है। इस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को रखा गया सेपरेटली, उनके बीच में एसपीएम है, और एसपीएम को पार करके डाइल्यूट सॉल्यूशन सॉल्वेंट के पार्टिकल कंसंट्रेट में जा रहे हैं, और तब तक जा रहे हैं जब तक कि वो इतना मिलीमीटर या इतना सेंटीमीटर उसमें लिक्विड चढ़ नहीं जाता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की मान बताइए। तो जितना लिया हाइट के लिए, लिक्विड की डेंसिटी दिया होगा, ग्रेविटी आपको पता है, नहीं क्वेश्चन में दिया तो क्वेश्चन वाला रखिए, और एच रो जी से कैलकुलेट कर लीजिए क्या निकल जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर है नहीं जी। जी हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ रहा होगा पूरी तरह। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को बर्केले और हार्टले ने जी हाँ एक्सपेरिमेंटली भी निकाला, वो एक्सपेरिमेंट का कुछ विशेष नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन बर्केले और हार्टले का एक्सपेरिमेंट भी सिलेबस में है तो उसको भी देख लेते हैं जी हाँ। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मापने की इनडायरेक्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है कौन, बर्केले एंड हार्टले एक्सपेरिमेंट जी। तो बर्केले एंड हार्टले स्पेलिंग इसकी देख लेंगे, हार्टले एक्सपेरिमेंट जी, ये कह सकते हैं क्या है ये, बर्केले एंड हार्टले एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर मैं की लिख लू, इट इज इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, समझ कॉन्सेप्ट वही है। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, कि अगर एसपीएम को पार करके डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट कंसंट्रेट सॉल्यूशन में जा रहा है,
अगर आप ओवर कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर, जी हाँ, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा किसके बीच, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन के बीच, और डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल नहीं जा पाएंगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन में, यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाएगा, वह एक्सटर्नल प्रेशर क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कह सकते हैं क्या, एट इक्विलिब्रियम जी एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई होगा वही आपका क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है ये? लेकिन ये एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई होगा ये पूरी तरह से ऑस्मोसिस प्रोसेस को क्या करेगा, रोक देगा। और जब ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक देगा तो यानी कि अब डाइल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल कंसंट्रेट में नहीं जाने पा रहे हैं। जी हाँ, पूरी तरह ऑस्मोसिस को रोक दिया गया है। तो कैसे, समझ में आ रही है? इसका देखा जाए जरा, इनके इंस्ट्रूमेंट सेटअप को देखें। इनका इंस्ट्रूमेंट सेटअप कुछ ऐसा है कि यहां पर मैं एसपीएम का एक सेल ले रहा हूं, और इसके अंदर आपको पता है क्या लेने वाले हैं, जी सॉल्यूशन और बाहर एक कंटेनर है, इसमें भी सॉल्यूशन। अब देखा जाए कि एसपीएम को पार करके कौन जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट। तो ये पार करके इधर आ रहा है, यानी इधर हम लेने वाले हैं जी, बाहर लेने वाले हैं, बाहर कंसंट्रेट सॉल्यूशन, क्या लेने वाले हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ओके, अंदर क्या लेने वाले हैं इसके, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ये वाली दीवार समझ में आ रही होगी किसकी है, ये जी, यहां भी वही सॉल्यूशन है, यहां भी यही सॉल्यूशन है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। और ये दीवार मैं व्हाइट चार्ट से बना दे रहा हूं जी, इसके अंदर ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन भरा हुआ है, और ये मैं कह दूं एसपीएम है, बाहर कौन है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, अंदर कौन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। अब होगा क्या, सबको समझ में आ गया होगा क्या होगा, क्या होगा, जी हाँ, इसमें से सॉल्वेंट के पार्टिकल निकल करके इधर आएंगे, और जब इधर आएंगे तो ये लेवल धीरे धीरे क्या होगा, राइज होना शुरू होगा, होगा। हम चाह रहे हैं कि प्रोसेस रुक जाए, तो प्रोसेस यहां पर हम क्या करेंगे, पिस्टन लगा दें जी। अगर हम यहां एक पिस्टन लगा दिए और इस पिस्टन पे एक प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दिए, पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दिए, और प्रेशर को हम कम है तो अभी इंटर कर जाएंगे, और बढ़ाए तो कम इंटर, और बढ़ाए अभी थोड़ा सा, और बढ़ाए थोड़ा सा बचे इंटर कर रहे हैं, थोड़ा और बढ़ा दिए अब इंटर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यहां से सॉल्वेंट के पार्टिकल अब यहां नहीं आने पा रहे हैं, यानी ऑस्मोसिस रुक गया। तो ये जो प्रेशर लगा है, इस प्रेशर को हम लोग जी
रीड कर ले मीटर के थ्रू, ठीक है ना। तो यहां पर अगर जितना प्रेशर लगा है वो रीड कर ले रहा है, तो ये प्रेशर हमने एक्सटर्नल लगाया है और ये एक्सटर्नल प्रेशर पूरी तरह से आसमासिस प्रेशर क्या कर रहा है, रोक दे रहा है। तो ये जो प्रेशर है यही प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जी। ये बर्केले और हार्टले ने एक्सपेरिमेंटली इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का निकाला और ये इनडायरेक्ट मेथड है, कुछ नया नहीं है, पुराने तरीके से ही है कि नहीं, बस इनका एक्सपेरिमेंट सेटअप अलग है। क्लियर ये? अब ये देखा जाए कि हम लोग क्या समझ चुके कि ऑस्मोसिस क्या है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। फिर उसके बाद देखा गया ऑस्मोटिक प्रेशर को इनडायरेक्टली कैसे मेजर करेंगे, बर्कले एंड हार्टले एक्सपेरिमेंट भी देखा गया, और फिर ये देखा गया कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, अगर ये एच हाइट राइज करता है तो जो प्रेशर होगा वो एच रो जी के हिसाब से हो जाएगा। जी हाँ, उस पर भी सवाल आ जाते हैं। अब उसके बाद से ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। एक साइंटिस्ट थे फेफर ने डाइल्यूट सॉल्यूशन या आइडियल सॉल्यूशन के गुणों का बहुत ज्यादा एनालिसिस किया। फिर उसके बाद उनके स्टूडेंट्स हुए वांट हाफ ने क्या किया, उनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और कुछ कंक्लूजन दिए, और कंक्लूजन क्या दिया कि जैसे आइडियल सॉल्यूशन गैस की तरह बिहेव करता है। जी हाँ, और गैस से रिलेटेड जो बायल के जो नियम दिए गए, चार्ल्स के जो नियम दिए गए, उनसे रिलेट करके इनके नियम बनाए गए। तो यहां पर देखें कि जो बायल से रिलेट करके बनाया गया वो बायल वांट हाफ ला कहलाया। जी हाँ, बायल वांट हाफ ला। अभी देखा जाए कि बायल वांट हाफ ला क्या है, तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन पे एक्सपेरिमेंट फेफर ने किए थे उनसे जो कंक्लूजन वांट हाफ ने निकाले, ठीक है, वो कंक्लूजन के आधार पर और बायल ने जो गैस के लिए ला दिया था, क्या ला दिया था, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जी हाँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी बायल ला अप्लाई होगा। तो सॉल्यूशन गैस की तरह बिहेव कर रहा है आइडियल सॉल्यूशन, उसके लिए भी टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दे, ठीक है, तो वहां पर बायल क्या बताते कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो और प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, ऐसी बात है, सेटअप ले ले, यहां पे मैंने पिस्टन ले लिया और यहां पे गैस है या आइडियल सॉल्यूशन, दोनों का बिहेवियर जैसा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट, अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो यहां का वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटा और प्रेशर को घटाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ा। अब यहां पर प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर से टैली करेंगे और वॉल्यूम की जगह कंसंट्रेशन लेंगे, तो प्रेशर वॉल्यूम के क्या है, रेसिप्रोकल है ना, और वॉल्यूम के रेसिप्रोकल कौन होता है, कंसंट्रेशन। जी हाँ, कंसंट्रेशन कौन सा, जी मोलैरिटी का ले। तो यहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर, जी ऑस्मोटिक प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वॉल्यूम के, तो रेसिप्रोकल हो जी आयतन के, प्रेशर बढ़ाओगे आयतन घटेगा, प्रेशर घटाओगे आयतन, प्रेशर घटाओगे आयतन बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा, क्योंकि मोल पर लीटर, तो लीटर बढ़ गया तो मोल पर लीटर घट गया तो मोल पर लीटर बढ़ गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। क्लियर, ये मोल पर लीटर के प्रोपोर्शन में किसके है, मोल पर लीटर के प्रोपोर्शन में है, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग किससे लिख रहे हैं, पाई से, कंसंट्रेशन को सी से लिख रहे हैं, और सी किसमें होना चाहिए, मोल पर लीटर, यानी मोलैरिटी। क्लियर, तो यहां पर दिख रहा है क्या,
अगर यहाँ कोई सोल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उसे कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। यहाँ गैस से समझ आ गया, बायर का नियम क्या था, कांस्टेंट टेम्परेचर कर लो, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाओ वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर रेसिप्रोकल टू वॉल्यूम। प्रेशर ऑस्मोटिक ले ले रहे हैं यहाँ पे पाई, और वॉल्यूम कंसंट्रेशन रेसिप्रोकल थे, वॉल्यूम जब घटेगा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा कंसंट्रेशन घटेगा, यानी प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम घटा कंसंट्रेशन बढ़ा, प्रेशर घटाओ वॉल्यूम बढ़ा कंसंट्रेशन घटा। तो प्रेशर के कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, तो वहां से लिया गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और ये क्या है मोल पर लीटर, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, क्लियर है ये। यानी यहां पर देखा जाए कि अगर एक कांस्टेंट ले लेते हैं, जिस कांस्टेंट को मैं के से लिखूं, तो पाई इक्वल क्या हो गया, के इंटू सी। अगर एक ही टेम्परेचर पर दो सोल्यूशन है, एक ही टेम्परेचर पर दो सोल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन और दूसरे का पाई टू, तो हम कह सकते सी वन अपान सी टू। जी जिस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी फिक्स टेम्परेचर पे हम लोग कंपेयर करें तो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शन में है कौन, ऑस्मोटिक प्रेशर, और जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, दो सोल्यूशन बनाए गए, एक का कंसंट्रेशन सी वन मोल पर लीटर, सी टू भी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर दिमाग में रखें, कोई कंसंट्रेशन दिया हो लेकिन हम लोग रखें किसमें, मोल पर लीटर में। सी वन कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, सी टू दूसरे सोल्यूशन का है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन दूसरे का पाई टू, तो पाई वन अपान पाई टू इक्वल क्या हो गया, सी वन अपान सी टू। ओके बात समझ आ रही इतनी, क्लियर ये। तो बायर वांट हाफ ला के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं जी, चार्ल्स वांट हाफ ला, और चार्ल्स वांट हाफ लॉ क्या है, चार्ल्स का क्या था भाई जी, प्रेशर को कांस्टेंट कर दो जी, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। अब यहां पे हम लोग टेम्परेचर का रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, और किसमें निकालना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात प्रेशर में, तो वॉल्यूम ना फिक्स करके कंसंट्रेशन को फिक्स कर दे रहे हैं, क्या फिक्स कर दे रहे हैं जी, एट कॉन्स्टेंट जी कंसंट्रेशन, यानी कि सोल्यूशन मैं लिया उसी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट किया, टेम्परेचर बढ़ा रहे, और आपको पता प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम ना तो बढ़ाना है ना तो घटाना, चाहे इसमें गैस ले लो चाहे इसमें आइडियल लिक्विड ले लो, बिहेवियर एक जैसा है। अब आप क्या कर रहे हो जी, हाँ आप क्या कर रहे हो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप वॉल्यूम नहीं बढ़ने देना चाहते, पिस्टन नहीं बढ़ना चाहते, प्रेशर क्या करोगे बढ़ाओगे, प्रेशर क्या करोगे बढ़ाओगे, और गर्म करोगे और बढ़ाओगे। यानी यहां पर दिख रहा क्या कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहीं से आइडिया लिया गया चार्ल्स से। तो यहां पर क्या दिख रहा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जी, अपरंता एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाओ, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर घटाओ, लेकिन क्या है कंसंट्रेशन को कांस्टेंट ले रहे हैं। यानी किसी फिक्स कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन के लिए टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा भाई, अरे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, ज्यादा प्रेशर लगाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, इसको किससे रिलेट कर रहे हैं पाई से, और टेम्परेचर को टी से, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, क्लियर ये, या पाई इक्वल के टी, या मैं कह लू कि पाई वन अपान पाई टू इक्वल क्या हो जाएगा, टी वन अपान टी। यानी दो
सोल्यूशन नहीं, एक ही सोल्यूशन है, कंसंट्रेशन फिक्स है, या दो सोल्यूशन है दोनों का कंसंट्रेशन फिक्स हो तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा उनका ऑस्मोटिक प्रेशर। जी हाँ, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। बात समझ में आ रही है? तो बॉयल वान हाफला, चार्ल्स वान हाफला के बाद जैसे गैस इक्वेशन निकाला गया, वैसे ही इन दोनों से कंक्लूजन लेकर के वान हाफला बनाया गया। जी हाँ, वान हाफला और वान हाफला दोनों के समेशन है, उससे ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट भी की जाती है। वान हाफ ला जाएंगे। तो वान हाफ ला क्या है, पहला देखें, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। जी ये किससे लिया गया? बायल वान हाफ ला से। ठीक है, और क्या था कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और ये कंसंट्रेशन किसमें होना चाहिए, मोल पर लीटर में। क्लियर है? नाउ एट कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन, जी जब कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन होगा तो हम कौन से ला के थ्रू लेंगे, चार्ल्स वांट हाफ ला। क्या चीज कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर है? ये दो आपके पास है, एक कंक्लूजन किससे आया था, बायल वांट हाफ से, और एक चार्ल्स से। दोनों को अगर हम लोग टैली करा दें, ठीक है, दोनों को टैली करा, अब दोनों को अगर टैली करा देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी दोनों के। जी हाँ, क्लियर ये? और ये प्रोपोर्शन के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आए, जो सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है, जो कि यूजीसी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है, तो आर ले ले रहे हैं, आर सी। इसको थोड़ा सा अच्छा लगता है, ऐसे लिखा जाए सी आर टी। चार सी क्या है, कंसंट्रेशन वो भी किसमें होना चाहिए, बहुत सारे तरीके हैं कंसंट्रेशन के, बताया गया है, लेकिन ये मोल पर लीटर में ही होना चाहिए। आर यूजीसी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ओके। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो समझ आई बात, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है और उसके प्रोपोर्शन में होता है, टेम्परेचर फिक्स, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, घटाओगे घट जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, और कंसंट्रेशन फिक्स कर दो टेम्परेचर बढ़ाओगे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, घटाओगे घट जाएगा। और यहां से देखें दोनों के प्रोपोर्शन में है, दोनों अगर बढ़ा रहे हो तो मल्टीप्लाई में बढ़ जाएगा, और प्रोपोर्शन के साइन को हटाए तो क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या है, यूजीसी। यानी पूरी तरीके से देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, टेम्परेचर के भी है। जी हाँ, जैसे गैस का प्रेशर होता था, और क्या आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आ गया सी आर टी। अच्छा, ये बात है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब सोल्यूशन कैसा हो, आइडिया है ना। अगर आइडियल नहीं होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या तो बहुत बढ़ जाएगी या तो बहुत घट जाएगी, और तब किससे मेजर करेंगे, वांटा फैक्टर। नहीं पता लेक्चर देखो ना, बहुत बढ़िया लेक्चर वांटा फैक्टर का, पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, वांटा फैक्टर का लेक्चर बहुत बेहतर पढ़ाया हूं। जी हाँ, तो पाई इक्वल सी आई टी फॉर नॉन आइडियल, जी या कह सकते रियल सोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, ये तो आइडियल केस में हो गया जब आइडियल सोल्यूशन बने, तो पाई इक्वल आई सी आर टी।
जी हाँ, पाई इक्वल आई सी आर टी, वेयर आई इक्वल वांट हाफ फैक्टर। जी हाँ, आई क्या है? वांट हाफ फैक्टर है। अगर ऑर्गेनाइज हुआ तो बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा होगा तो बढ़ जाएगा, एसोसिएट हुआ घट जाएगा, नहीं अगर आइडियल है तो वन रखेंगे, क्या दिक्कत है, फार्मूला ही रखेंगे। बट लड़की गलती क्या करते हैं, सी जनरली सी कंसंट्रेशन दे देता है, लड़के रख देते हैं। अरे कंसंट्रेशन रखना है, लेकिन ये कंसंट्रेशन मोल पर लीटर वाला है। जी हाँ, मोलरिटी है। कोई भी कंसंट्रेशन दिया हो किसमें चेंज करोगे, मोलरिटी में। समझ बात आ रही है? तो फार्मूला हमारा ऐसे दिमाग में हो गया आईसीआरटी, लेकिन सी कंसंट्रेशन कौन सा, मोल पर लीटर, मोलरिटी वाला, आई एन अपॉन वी आर टी। और यन क्या है, मोल। जी हाँ, मोल किसका, सॉल्यूट का, और वी सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। पाई इक्वल जी आई, मोल कैसे निकालते हैं, अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अरे अमाउंट किसका, सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर वेट भी सॉल्यूट का, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का इनटू आर टी। अरे जिस टेम्परेचर पे है वो टेम्परेचर, और आर क्या है, यूजीसी। क्लियर है, आर क्या है, यूजीसी। अब आर की वैल्यू, बच्चे क्वेश्चन लगाते समय थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, पूरा फार्मूला क्लियर है, पूरा क्लियर है, कहीं भी डाउट हो बताना, एप्लीकेशन कराऊंगा। थोड़ा सा जो आर की वैल्यू है वो 8.31 जूल पर मोल केल्विन, जी हाँ, या 1.99 कैलोरी पर मोल केल्विन, या 0.82 कैलोरी पर मोल केल्विन। जी हाँ, सवाल लगाने के लिए इसको हम लोग लिख देते हैं प्रॉक्स 25/3 जूल पर मोल केल्विन आ जाएगा भाई। इसको ये प्रॉक्स 2 ले लेते हैं, और ये आपका कितना हो जाता है जरा बताओ तो, जी क्या 1/8 कितना, 1/12 है, हाँ 12/26। ठीक है, तो ये आप ले लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, तो इसकी जगह 1.12, इसकी जगह 2, और इसकी जगह 25.3। लेकिन क्या होगा अगर ये हम लोग जब लेंगे आर की वैल्यू, समझिएगा मोल तो है जी वो रहेगा, लेकिन वॉल्यूम तब मीटर क्यूब में लेंगे, क्योंकि सब एसआई में है, एसआई में तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में लेंगे, टी केल्विन में ही लेंगे। क्लियर है, आर की वैल्यू जैसे ही जूल पर मोल केल्विन वाला लिए तो वी हमारा मीटर क्यूब में, और ये कैलोरी वाला ले लिए तो तब भी वी हमारा मीटर क्यूब में, कैलोरी को जूल में बदल लेंगे। और अगर ये वाला लिए तो, अरे यार ये तो यूनिट गलत लिखा गया, 0.082 वायुमंडल लीटर पर मोल केल्विन। तो अगर ये मैंने ले लिया 0.082 वायुमंडल लीटर पर मोल केल्विन, यानी 1/12 अगर ये वाला वैल्यू लिया तो v हम लीटर में लेंगे, तो आंसर किस में आएगा, वायुमंडल में। फिर से समझिएगा, अगर हमने 8.31 वाला रखा या ये रखा, इसको जूल में बदल दिया जी, तो हमें वॉल्यूम रखना पड़ेगा मीटर क्यूब में, आंसर आएगा हमारा किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। और अगर ये वाली वैल्यू रखी तो हमें वॉल्यूम रखना पड़ेगा किसमें, लीटर में, और आंसर प्रेशर का हमारा किसमें आएगा जी, वायुमंडल में। बात समझ में आ रही है, क्लियर ये। अब हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जी, उसका वीडियो अलग से बना दे, बहुत लंबा हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोग इसके बाद एप्लीकेशन करेंगे, किस पर, ऑस्मोटिक प्रेशर पे लास्ट एप्लीकेशन होगा, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो गया है। जी हाँ, पूरी तरीके से क्वेश्चन लगाइए, जो भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप कर दीजिए, और व्हाट्सएप नंबर फिर नोट कर लीजिए, 9140250120। जी कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर क्वेश्चन क्या करें, भेजिए मेरे पास, किसी भी लेवल का हो। जी हाँ, कल एप्लीकेशन करा देंगे, एप्लीकेशन में एक से एक बेहतर क्वेश्चन ले आएंगे। ओके।